Good morning, students. This is KD sir from Shivam Education. Yesterday we cleared the concept of this chapter linear regression. I hope you have watched that video. Agar exercise karne se pehle, I will request you please watch that video. Right? Maine uska link diya hua hai. Aap wo watch kijiye. To aapka ek bar concept clear ho jayega, then you can do the sums easily. Okay, now let's start today exercise 3.1. Now, from the following data of price in rupees and demand in 100 units of a commodity, obtain the regression line of demand on price. Also estimate the demand when the price is 20, right? Yahan do question pucha gaya. Sabse pehle, obtain the regression line of demand on price. Yahan pe do variable hain, price and demand. Price independent and y and demand is the dependent. Therefore, x price रहेगा और y रहेगा demand. तो हमें y ढूंढना है और उसके बाद also estimate the demand when price is, देखो एक x variable दिया है 20 rupees और उसका हमको y ढूंढना है और ये जो chapter linear regression इसी के बारे में है, right? चलो let's start. So here we have drawn the table. राइट एक्स और वाई का हमने डेटा लिखा हुआ है. सबसे पहला स्टेप हमको एक्स बार ढूंढना है. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट एक्स बार. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज सिग्मा एक्स हमने किया हुआ है तो दैट इज 96 अपॉन 6, दैट इज 60. राइट और फिर उसके बाद वाई बार ढूंढेंगे. वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, दैट इज 60 अपॉन 6, दैट इज 10. राइट नाउ ये एक्स बार और वाई बार ढूंढने का फर्स्ट स्टेप का कारण ये है कि जब अगर आपका एक्स बार और वाई बार इंटीजर्स में आते हैं, दैट इज होल नंबर में आते हैं, 16, 10, 23, 26 ऐसे, डेसिमल पॉइंट नहीं है या फ्रैक्शन नहीं है, देन वी कैन कंक्लूड विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. तो अगर इस तरह का इंटीजर आता है तो x माइनस एक्स बार वाला हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोग वो एक्स वाई वाला करेंगे. राइट तो ये जो चीज है, ये दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपका एक्स बार और वाई बार तय करते हैं. राइट तो वंस एक्स बार और वाई बार हमको पता चल गया 16 और 10 है तो अब हमको दूसरे कॉलम बनाने में इजी रहेगा. राइट नाउ लेट्स मेक द अदर कॉलम्स. सो हमने ये टेबल बना दिया है बराबर और उससे हमको ये वाला जो फॉर्मूला है b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर. तो ये हमको ये कॉलम जो चाहिए x माइनस x बार y माइनस y बार और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस x बार और y माइनस y बार और फिर उसका स्क्वायर कर देना है x माइनस x बार का होल स्क्वायर. तो अगर 12 में से 16 जाएगा तो माइनस 4 आएगा, 14 में से 16 माइनस 2, 15 में से 16 माइनस 1, 16 में से 16 0, 18 में से 16 2, 21 में से 16 जाएगा तो 5. और इसी तरह y माइनस y बार में देखिए 18 में से 10 गया तो 8, 12 में से 10 गया तो 2, 10 में से 10 जाएगा तो 0, 8 में से 10 गया तो माइनस 2, 7 में से 10 गया तो माइनस 3 और 5 में से 10 गया तो माइनस 5. अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 5 था 32 लेकिन ये माइनस है इसलिए ये माइनस आएगा. 2 2 जा 4 दैट इज माइनस 4, माइनस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 2 0, 2 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 6 और 5 इंटू माइनस 5 यू विल गेट माइनस 25. लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा. तो अगर वो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का 0, 2 का 4 और 5 का 25 हो जाएगा. और ये सारे चीजों का हम अगर सिग्मा मतलब सम कर लेते हैं, समेशन कर देते हैं तो माइनस 67 आता है x माइनस x बार y माइनस y बार का और फिर x माइनस x बार होल स्क्वायर का 50 आता है. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू. राइट चलो आप b इज इक्वल टू x माइनस x बार y माइनस y बार आएगा माइनस 67 अपॉन x माइनस x बार होल स्क्वायर का 50. राइट तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आएगा b इज इक्वल टू इज माइनस 67 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज माइनस 1.34 बराबर.
1.34, राइट। अब a का वैल्यू ढूंढते हैं, a इज इक्वल टू y बार माइनस b x बार, राइट। तो y बार हमको मिला है 10 माइनस b हमको है माइनस 1.34 और x बार हमको मालूम है कि 16 है, राइट। ओके, अब इसे हम 10 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1.34 इंटू 16। चलो दैट इज 1.34 इंटू 16 कितना आएगा, 21.44। 10 प्लस 21.44 दैट इज 31.44, राइट। अब रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, अब ये ढूंढना है हमें रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, राइट। दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। दैट इज ए अभी हमने ढूंढ लिया 31.44, बी हमने ढूंढा माइनस 1.34 और ये एक्स, राइट। दैट विल गिव y कैप इज इक्वल टू 31.44 माइनस 1.34x, y कैप इज इक्वल टू 31.44 माइनस 1.34x। ये हमारा रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y? तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 20। देखा, एक वेरिएबल दिया होता है तो दूसरे का हम ढूंढ रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाले हम लोग को इक्वेशन में डालना है, y cap is equal to 31.44 माइनस 1.34 इंटू 20, दैट इज 31.44 माइनस 26.8, दैट इज 4.64, राइट। दैट इज y cap। सो व्हेन प्राइस इज 20, द डिमांड, when price is 20, the demand will be 4.64, और ये 100 में है ना, तो 100 units में होगा तो क्या हो जाएगा, 464 units हो जाएगा, right? Okay, चलो let's do test. Now question number 2. To study the relationship between the time of usage of cars and its average annual maintenance cost, the following information is obtained. Table दिया हुआ है, बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 cars का, एक तो time of usage, कितना use किया गया, और देखो उनमें x दिया हुआ है, average annual maintenance cost, y thousands में वो भी दिया हुआ है। अब obtain the regression line of y on x, that is हमको y cap बनना है, और find an estimate of average annual maintenance cost when the usage time of a car is 5 years. बराबर, और फिर also find its error, तीन चीज ढूंढना है, right? Let's start. हम लोग ने टेबल बनाया हुआ है, अभी ये पहला हमारा काम रहेगा, फर्स्ट स्टेप, दैट इज x बार ढूंढना है, राइट। दैट इज लेट्स स्टार्ट, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, दैट इज 6.667, और y बार इज इक्वल टू 0.6, इसको अगर डिवाइड करें तो 8.5। सो स्टूडेंट्स, डेसिमल में आया है x बार और y बार, तो आपको पता चल गया होगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, राइट। राइट दी कॉलम्स, राइट, फटाफट आप भी कॉलम लिख दीजिए। नाउ x और y दिया था, राइट, हम लोग ने x बार y बार देखा 2.67, और ये डेसिमल में आया तो xy और x square वाला हमको फॉर्मूला करना है, सेकंड वाला। तो xy अगर देखो तो 3 7 30, 1 5 5, 2 8 16, 2 7 14, 5 13 65, और 3 8 24, और उसका अगर आप टोटल करेंगे तो 154 आ रहा है। और x square का भी वैसा ही है, 3 का square 1 का square, 2 का square 4, 2 का square 4,
5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, इसका टोटल आएगा 52, राइट। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। अब b इज इक्वल टू n है 6, सिग्मा xy है 154 माइनस सिग्मा x है 16 और सिग्मा y है 51, राइट। और n 6, सिग्मा x स्क्वायर है 52 और सिग्मा x का होल स्क्वायर दैट इज 16 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 924 माइनस 816 दैट इज 108, राइट। दैट इज 108 डिवाइडेड बाय 56, ये आएगा आपको 1.93, ओके। अब ये हम पुट करेंगे ए में। नाउ ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, दैट इज इक्वल टू वाई बार है 8.5 माइनस बी हमने अभी फाइंड किया 1.93 और x बार है 2.67, राइट। 2.67 अब ये a इज इक्वल टू 3.35। नाउ दैट इज y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट इज y कैप इज इक्वल टू 3.35 प्लस बी कितना है 1.93 एक्स, हमें ये हमारा आंसर है, राइट। अब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई देन एस्टिमेट ऑफ वाई लेट्स सी। तो y cap is equal to 3.35 plus 1.93 into pi, हो गया y cap is equal to 30। Now तीसरा क्वेश्चन है error, estimate of y when x is equal to pi is 13 into 1000, that is 13,000. Okay, now error. Now e is equal to y minus y cap, right? तो y minus y cap उन्होंने क्या बोला है कि ये जो है ये x is equal to 5 लेंगे तो सामने y क्या है 13 ही है, तो हमको वो वैल्यू रहने का 13 minus 13 क्या हो जाएगा 0, therefore e is equal to 0, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग, हमको बी फाइंड करना है, बी के बाद ए, और उसके बाद अगर हमको रिग्रेशन लाइन का वाई कैप फाइंड करना है, वो इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमको एक्स का वैल्यू अगर पूछा है तो एक्स का वैल्यू दिया है तो हमको वाई ढूंढना है, और फिर उसके बाद हमको एरर पूछा गया तो ई फाइंड किया, ई लेकिन एरर इसमें है नहीं, जीरो आया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, द इंफॉर्मेशन फॉर अ ईयर रिगार्डिंग द एवरेज रेनफॉल इन सेंटीमीटर and total production of crop in tons of 5 district is given below. Average rainfall दिया है 5 district का और crop tons. हमें ढूंढना क्या है? Find the regression line of production of crop on rainfall and estimate the crop if average rainfall is just 35 cm. Regression line तो ढूंढना ही है, plus दूसरा x दिया है और y ढूंढना है. Okay, so now यहाँ हमने टेबल बना दिया है, एक्स और वाई लिख दिया है और उसका टोटल है 155 और 450। पहले हम लोग एक्स बार ढूंढ लेते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज 155 अपॉन 5, दैट इज 31, राइट। और वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, दैट इज, सो दिस इज 90। नाउ यहाँ पे देखिए 31 और 90 दोनों इंटीजर्स हैं, तो हमें x माइनस x बार वाला फॉर्मूला करना है, राइट।
तो लेट्स डू दी टेबल फर्स्ट. चलो नाउ x माइनस x बार 25 माइनस 31 आएगा माइनस 6 राइट. और फिर उसके बाद 32 माइनस 31 आएगा 1, 38 माइनस 31 आएगा 7, 29 माइनस 31 आएगा माइनस 2, 31 जाएगा 0 राइट. वैसे ही अगर हम 84 वाई का करेंगे तो 84 माइनस 90 आएगा माइनस 6, 90 0 हो जाएगा ये 5, और ये 88 में से 90 जाएगा तो माइनस 2, और 93 में से 90 जाएगा तो प्लस 3 राइट. तो ये अगर आप देखोगे हमेशा इसका सिग्मा जो है वो हमेशा टोटल जो है वो 0 आता है. यहाँ भी देखिए 718 और ये 0 राइट, ये 0 आता है. नाउ अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 6 माइनस 6 मल्टीप्लीकेशन है तो ये बन जाएगा प्लस 36, ये 0, 35 प्लस 4 और ये 0, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो दैट इज 75 राइट. अब इसका x माइनस x बार का स्क्वायर होगा ये 36, ये 1, ये 49, ये 4 और ये 0, इसका अगर हम टोटल करेंगे तो राइट. नाउ हमको अभी फॉर्मूला लगाना है तो लेट्स b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार और x माइनस x बार का होल स्क्वायर दैट इज ये 75 और ये अपॉन 90, इसको डिवाइड कर दीजिए. नाउ a का वैल्यू डाल देते हैं, ये इज इक्वल टू y बार माइनस b x बार दैट इज 90 माइनस 31 राइट. इसको सॉल्व करो आप, 90 माइनस 25.73 तो दैट इज ए इज इक्वल टू 64. रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू 64.27 प्लस 0.833 एक्स. ओके, ये हमारा इसका आंसर है राइट. नाउ अब आपको देखिए, ये आपको तीनों है, अब आपको क्या ढूंढना है. नाउ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 35 देन एस्टिमेट of y right, that is I cap is equal to 0.83 into 35, ये ले लेते हैं, that is 64.27 plus 29.05 वो आएगा 93.32 right, तो y cap आएगा 93.32. So the production of crop is टन में है ना, तो 90 टन में है तो 93.32 tons ऐसा लिख देने का राइट. सो 93.32 tons. ओके, तो आराम से करो आप, तो आपका आंसर आराम से आएगा. So let's the next question number 4. Now students, question number 4. The following data gives the experience of machine operator and their performance rating. Operators 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है. Experience X दिया है और performing rating दिया हुआ table. Now calculate the regression line of performance rating on the experience and estimate the performance rating of an operator having 7 years of experience. क्या करना है? 7 years of experience का हमको उनका estimate निकालना है. Let's see. Right? पे हमने table दोरा हुआ है. Right? X is equal to experience लिया और Y is equal to performance rating. X और Y दिया है. पहले हमको X bar और Y bar ढूंढना पड़ेगा. कौन सा formula लगाने के लिए? तो let us find out X bar and Y bar. X bar is equal to sigma X upon N. That is 80 upon 8. That is 10. Y bar is equal to sigma y upon n,
648 upon 8, that is 81, राइट right? अभी ये दोनों इंटीजर्स हैं तो हमको ऑब्वियसली x माइनस x बार वाला फॉर्मूला आएगा. लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. जैसा हमने टेबल बनाया है, x माइनस x बार फाइंड किया पहले, 12 में से 10 गया तो 2, 5 में से 10 गया तो -5, 10 में से 10 0, 3 में से 10 गया तो -7, 18 में से 10 गया तो 8, 4 में से 10 गया तो -6, 12 में से 10 गया तो 2 और 16 में से 10 गया तो 6. वैसे ही y माइनस y बार फाइंड कीजिए, 83 माइनस 81 275 माइनस 81 दैट इज माइनस 6, 80 माइनस 81 दैट इज माइनस 1, 78 माइनस 81 माइनस 3, 89 माइनस 81 प्लस 8, 68 माइनस 81 माइनस 13 और 88 माइनस 81 दैट इज 7 और 87 माइनस 81 देगा 6. अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए x माइनस x बार और y माइनस y बार को, यू विल गेट 4, 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, फिर 21, 64, 78 और 14 और 16. इसका टोटल हो जाएगा 247. x माइनस x बार होल स्क्वायर का अगर आप देखें तो 4, 25, 49, 64, 36, 4 और 36, इसका टोटल आएगा 218. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू यू विल गेट, ये फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू डालते हैं तो 247 upon 218, right? That is 247 divided by 218. You will get 1.13, right? It is 1.13 ले रहे. Okay. Now, A is equal to क्या है? Y bar minus B X bar. That is Y bar है हमारा 81 minus B है 1.13 और X bar है 10, that is 81 minus 11.3 हो जाएगा. तो 81 minus 11.3 क्या हो जाएगा? 69.7. Right? अब ये 69.7 का वैल्यू हम डालेंगे y cap में. Therefore, regression line of y on x. Right, that is y cap is equal to a plus bx. That is y cap is equal to 69.7 plus b kya hai 1.13x. Right? Ab ye hamara answer hai. Ab iska hum log ko estimate value. The estimate value of y when x is equal to कितना दिया है? When x is equal to 7 years, right? Let's put the value. तो y cap is equal plus 1.13 का ये 7 multiply करो, right? It is 1.13 into 7 is 7.91. That is 69.7 plus 7.91. So plus 77.61. Estimate of performance tax is 77.61, right? Okay, sir. So students, here we have completed exercise 3.1, right? Please practice it. और आप वो जो मेरा concept वाला video है, वो भी देखिए. वो देखने के बाद ये समझ कीजिए. Okay? So let's meet in exercise 3.2. Okay? Bye till that. Have a nice day.